यूट्यूब पे मचा हुआ है, वाईटी पे मचा हुआ है दूसरे की इज्जत को तार तार करने का ट्रेंड, वायरल वीडियो। हम अपने आप में बहुत अच्छे हैं, हम दूध के धुले हुए हैं। वो महिला है ना, उसको हमको कैसे बर्बाद करना है बताऊं मैं आप लोगों को? उसके इज्जत पर प्रहार करो। तो हमसे जो कभी कभी आकर कुछ बोलती है ना, वो चुप हो जाएगी, बोलेगी नहीं। उसका इज्जत को उघाड़ो, उसका इज्जत जो है ना खुलेआम सरेआम लोगों के सामने बोलो कि वो ना उसके साथ फंसी है, उसका ना उसके साथ चक्कर चल रहा है, उसको ना हम उस पंडितनिया को ना उस श्रीवास्तव के साथ देखे थे गलत कुछ कर रही थी। तो जानती है इससे का फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा ना कि वो हम लोग को कुछ बोलेगी ना, कहे कि हम लोग का तो इज्जत है ये नहीं है, और कुछ बोलेगी हम लोग को तो उसको बोल देंगे तो वो अपने आप चुप हो जाएगी। यही चल रहा है। नमस्कार YouTube फैमिली, मैं रीति मारा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग? और मैं बता दूं कि अभी YouTube पे YT पे चल रहा है दूसरों की इज्जत को बर्बाद करने का ट्रेंड ही बोलेंगे इसे, क्योंकि कुछ लोग उनकी बातें नहीं मानते हैं तो वो लोग उनके इज्जत पर प्रहार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारी तो इज्जत दो कौड़ी की नहीं है। हम तो खुद दो तीन चार शादियाँ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सामने वाले की चुप्पी को हम कैसे तोड़ें? तो बहुत पहले उसे हम परेशान करते हैं, खूब गाली गलौज करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है वो सामने आकर हमें कुछ जवाब नहीं देता है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत नहीं होती है कीचड़ में ढेला फेंकने की, कीचड़ में पत्थर फेंकने की। लेकिन ये बेशर्म लोग जिनकी खुद की इज्जत नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ मुँह मार के आते हैं, वो लोग YT पर आकर लोगों को न्याय दिलाने की बातें करते हैं। हट साइड। आज मैं बातें करने जा रही हूँ सपना चौधरी, जो कि स्नैपी गर्ल के नाम से YT पे उनका एक चैनल है, हम लोग देखते थे बहुत दिनों से, उनको हम देख रहे थे। उनके एक पहले पति थे जिनका कि कोरोना में उनका डेथ हो गया, और फिर उन्होंने अपनी देवर से शादी की राजवीर भैया जी से, राजवीर चौधरी जी से, और दुर्भाग्यवश उनका भी कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हो गया जिनमें उनकी मौत हो गई। जब मौत हो गई तो लोगों ने बहुत सारे सवाल किए कि आप निष्पक्ष जांच की बात करें, निष्पक्ष जांच करवाएं, हम आपकी मदद करेंगे, ये वो, बहुत तरीके के लोभ देने की, लालच देने की उनको कोशिश की गई। लेकिन देखिए कि जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो लोग अब क्या कर रहे हैं, उनकी इज्जत पर, उनकी मान प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश YT पर कर रहे हैं ताकि वो परेशान हो जाए। और इनके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं कि जांच हो, लेकिन क्या इस तरह से कि सामने वाला व्यक्ति जो पीड़ित है, जो खुद नहीं चाह रहा है, क्योंकि वो इस वक्त वो बहुत परेशान है, और लोगों के सामने आकर उन्होंने ये बोला भी कि अब हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो इस मामले को देख रेख करेगा, इस मामले को देखेगा, तो प्लीज़ हमारे मैटर को छोड़ दिया जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया, स्नैपी गर्ल ने जो सपना जी है उन्होंने आकर लोगों को सामने ये बताया भी। लेकिन देखो कुछ नंगे लोग, मतलब कुछ बेशर्म, क्या बोलूँ मैं, जितना ही बोलूँ उनके लिए कम है। मना करने के बावजूद भी उन्होंने क्या अपना लिया मुद्दा कि सपना के इज्जत पर प्रहार करो तो वो शायद सामने आकर बोलेगी। मतलब इतना गिर सकते हो तुम लोग कि अगर वो निष्पक्ष जांच की मांग अगर करने से मना करती है तो आप लोग उसके इज्जत को तार तार करो, उसको उल्टा बोलो। मतलब जो तुम कहते हैं कि जब मदद करने वाला व्यक्ति जो सच्चे दिल का होता है, ईमानदार होता है ना, वो हमारी मदद करने के लिए हमारे सामने आता है, लेकिन एक बार जब उसे मना कर दो तो फिर वो व्यक्ति वापस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ढीठ लोग बैठे हुए हैं कि अगर आप हमारी मदद नहीं लोगे तो ऐसे नहीं वैसे आपको परेशान करेंगे, बस जस्ट लाइक वही सपना के साथ हो रहा है। और अभी मैंने एक सपना की, कोई घर की मेंबर है जिनका मैंने वीडियो देखा जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सपना उनके घर को उनके पति को उनसे छीनना चाह रही है, तो मैं बता दूँ कि जब आपके पति से इतनी प्यार भरी क्या बोले ज़िंदगी है, वैवाहिक जीवन है, तो फिर आप किस बात से इनसिक्योर हो रहे हो, किस बात का डर है? जब आप अपने पति से इतना प्यार करती हो, आपके पति आपसे प्यार करते हैं, फिर आपको डर किस बात का? आप अपने पति से बातें करो ना कि सपना को बदनाम करने की कोशिश करें।